हेलो गाइस, मैं हूं दीपेंद्र। वैसे तो इस चैनल के ऊपर मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करता हूं, पर आज का वीडियो कुछ हटके है गाइस। गाइस, आपने चैट जीपीटी के बारे में तो सुना होगा, काफी ज्यादा एडवांस एआई है। कुछ लोग उससे अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखा रहे हैं, कुछ लोग अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कहीं जगह तो वो बैन भी हो चुका है। तो मैंने सोचा कि मैं भी आज उसका यूज करके कुछ अलग करता हूं गाइस। तो अपने बजट को मद्देनजर रखते हुए मैं लेकर आया हूं गाइस मैगी। तो गाइस, आज हम चेक करने वाले हैं एआई की इंटेलिजेंस की, वो हमको कैसी रेसिपी बनाकर दे सकता है, कैसी अलग अलग रेसिपी वो हमको बनाकर दे सकता है, कितने प्रकार की रेसिपी वो हमको बता सकता है इस मैगी की। तो चलिए दोस्तों, ट्राई करते हैं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, ये रहा हमारा चैट जीपीटी, जिसे हम कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। भाई, इसमें एक प्रॉब्लम जरूर है, इससे पैसे देने पड़ते हैं, नहीं तो अगर ज्यादा क्वेश्चन पूछ लो तो ये हमारे एक घंटे के बाद ट्राई करने का बोलता है। तो हम इससे ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं और मैगी की रेसिपी से पूछते हैं। और इसका एक फायदा जरूर है, किसी भी भाषा में लिखो ये जवाब जरूर देता है और एकदम एक्यूरेट जवाब देता है। तो मैंने इसको पूछा है मुझको मैगी की रेसिपी बताओ, तो देखते हैं क्या बताता है। तो भी बताइए क्या कर रहा है, जो रेसिपी मैगी के पैकेट के ऊपर रखी होती है मुझे वही बता रहा है। सो मुझे इसे घुमा फिराकर पूछना होगा। तो गाइस, मैंने इसे मैगी की रेसिपी पूछ ली है, मैं इसे दिखा नहीं सकता क्योंकि पहले दिखा दी तो सस्पेंस टूट जाएगा। और काफी ज्यादा एडवांस, काफी ज्यादा अलग और काफी ज्यादा बेहतर और स्वादिष्ट रेसिपी इसने मुझे बताई है। तो चलिए गाइस, ट्राई करते हैं और यहाँ से हमारी वीडियो होती है शुरू। तो गाइस, यहाँ आप देख रहे हो कि जब मैंने इसको बोला कि मुझे एक स्वीट कॉम्बिनेशन वाली मैगी की रेसिपी चाहिए, तो इसने उसमें ओरियो और किटकैट घुसेड़ दिया। भाई, चैट जीपीटी भी हमारे इंडियन फूड ब्लॉगर से कम नहीं है। तो ये वाली रेसिपी मैं बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला, क्योंकि इसको खाने में भी दुख होगा और फेंकने में दुख होगा, क्योंकि पैसा जो लगा है ओरियो और किटकैट पे। तो गाइस, ये रहा हमारी ओरिजिनल रेसिपी का पहला इंग्रेडिएंट, टू मैगी नूडल के। और दूसरी सामग्री है हमारी रेसिपी की, दो कप पानी। तो तीसरी रेसिपी है 2 टेबलस्पून तेल, जो हम इसमें से निकालेंगे। भाई, उसके बाद चैट जीपीटी बोल रहा है कि एक छोटा प्याज बारीक काट लो। लो जी गाइस, छोटा प्याज हमने बारीक काट लिया। उसके बाद चैट जीपीटी जी बोल रहे हैं एक छोटा टमाटर भी बारीक काट लो। ये रहा छोटा टमाटर और ये हमने उसको बारीक काट लिया। भाई, उसके बाद ये बोल रहा है कि गाजर, मटर, मकई और शिमला मिर्च को बारीक काट लो, पर हमारे पास काटने के लिए सिर्फ गाजर और शिमला मिर्ची है। तो गाइस, हमने शिमला मिर्च और गाजर का भी लगे हाथ काट लिया। तो गाइस, अब ये हमको बोल रहा है कि लहसुन और जिंजर का पेस्ट बनाकर डालो, जो कि मैं नहीं डालूंगा। सारी बातें इसकी थोड़ी ना मानेंगे भी। और गाइस, जो लास्ट वाली औषधि इसने बताई है वो है मैगी का मसाला, काली मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। सो गाइस, ये सारी सामग्री जो चैट जीपीटी ने हमको बताई है। सो गाइस, उसके बाद आती है विधि। तो चैट जीपीटी इतना इंटेलिजेंट है कि उसको ये भी पता है कि इन सब चीजों को कैसे कुक करना है। तो चलिए, चैट जीपीटी के हिसाब से हम इन सभी चीजों को करते हैं और देखते हैं कि मैगी कैसी बनती है हमारी। तो सबसे पहले ये हमको बता रहा है कि तेल को गर्म कर लो और उसमें प्याज डालो, तब तक भूनो जब तक वो ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। गाइस, तो गाइस, कढ़ाई में मैंने तेल गर्म कर लिया है और अभी इसमें डालने वालों में ये गया बारीक कटा हुआ प्याज तेल में। तो प्याज हमारा ट्रांसलूसेंट हो चुका है गाइस। तो अभी ये माननीय चैट जीपीटी जी हमको बोल रहे हैं कि अभी इसमें टमाटर डाल दो और तब तक हिलाओ, तब तक गर्म करो जब तक वो गल नहीं जाते। ये जा रहे हैं प्याज। तो अभी हमको बोल रहा है कि कटी हुई सब्जियां भी इसमें डाल दो, क्योंकि हमारे टमाटर गल चुके हैं। सब मिक्स सब्जियां भी डाल दिए गाइस। गाइस, चैट जीपीटी अभी बोल रहा है कि जो सब्जियां हमने रखी हैं उसमें 1 कप पानी डालो और उसके साथ मैगी का मसाला डालो। पानी, ये गए मसाले। किचन में गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है और ये हमको अभी बता रहा है कि मैगी को अलग से उबाल रहे और जब पानी सूख जाए तो इसमें मिक्स कर दें। ये लो गाइस, मैगी को हमने रख दिया उबलने के लिए। सो गाइस, आ चुके हैं अपनी वीडियो के लास्ट पलों में, क्योंकि हमारी मैगी बन चुकी है, मसाला भी रेडी है और दोनों को मैं मिक्स करने वाला हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका टेस्ट कैसा है। सो सारी जो वीडियो है बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, जो यहां तक वीडियो देख रहा है प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट में हमें नेक्स्ट चीज बताइएगा कि चैट जीपीटी से हम और क्या क्या करवाएं। नजारा कुछ ऐसा है गाइस, मैगी ऐसी लग रही है, ये सब ऐसा लग रहा है। सो अभी मैं इसको इधर डालूंगा। ओ भाई, बहुत गर्म है, चलिए जा। ओ तेरी हाथ के, हाथ के, हाथ के, हाथ के। देखो गाइस, प्लीज लाइक कीजिए। और चैट जीपीटी ने बोला है कि पतीले के साथ डालनी है और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और पेश करते हैं थाली में परोस कर। थाली में परोस दिया है गाइस हमने इसको, बन के रेडी हो चुकी है हमारी चैट जीपीटी की रेसिपी वाली मैगी। तो ट्राई करके देखते हैं, लाइव ट्राई करेंगे। लाइव लाइव बोल रहा हूं। ओह माय गॉड, सच्ची बोल रहा हूं गाइस, बहुत ही ज्यादा, मतलब बता नहीं सकता, ऐसी टेस्ट वाली मैगी मैंने बहुत कम खाई है, बहुत ही कम, मतलब कभी खाई नहीं है ऐसे कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट है गाइस मैगी का। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा,
मैंने ये फोटो जो रेसिपी की है अपने इंस्टाग्राम पे ऊपर डाली है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। और इसका टेस्ट तो गाइस कैसे बताऊं आपको, ओह माय गॉड। अगर यहाँ तक कोई देख रहा है वीडियो को लाइक कर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए द गुड द बाय।